नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 यानी आर्थिक समीक्षा 2022-23 को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है? तो राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर है 7.99 लाख करोड़। कितनी है? 7.99 लाख करोड़। तो राजस्थान की जीएसडीपी है स्थिर कीमतों पर 7.99 लाख करोड़। जीएसडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी। क्या होता है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर है 7.99 लाख करोड़। हम 7.99 की जगह 7.99 पढ़ेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। तो राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है? 7.99 लाख करोड़ है स्थिर कीमतों पे, ठीक है। जबकि राजस्थान की जीएसडीपी है ना प्रचलित कीमतों पर कितनी है? वह है 14.14 लाख करोड़। राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पे तो है कितनी है? 7.99 लाख करोड़। जबकि राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पर है 14.14 लाख करोड़, ठीक है। तो जो स्थिर कीमत होते हैं ना, स्थिर कीमत के लिए आधार वर्ष कौन सा लिया जाता है? तो स्थिर कीमतों के लिए आधार वर्ष लिया जाता है 2011-12, ठीक है। तो स्थिर कीमतों के लिए आधार वर्ष लिया जाता है 2011-12। तो राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर 7.99 लाख करोड़ और राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पर है 14.14 लाख करोड़, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि राजस्थान की जीएसडीपी वो भारत की कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? वो है 5.18%। ये वाला क्वेश्चन आरएस 2023 में पूछा गया था कि जो राजस्थान की जीएसडीपी है यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, वो भारत की कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? वो है 5.18%। तो सबसे पहले देखा राजस्थान की जीएसडीपी 7.99 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पे, राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे 14.14 लाख करोड़ और राजस्थान की जीएसडीपी का भारत की जीडीपी में योगदान है 5.18%, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान की एनएसडीपी स्थिर कीमतों पे कितनी है? वह 6.95 लाख करोड़, ठीक है। राजस्थान की एनएसडीपी स्थिर कीमतों पे है 6.95 लाख करोड़ जबकि राजस्थान की एनएसडीपी प्रचलित कीमतों पे है 12.60 लाख करोड़, ठीक है। तो एक बार इसको वापस देखते हैं, तो राजस्थान की जो एक बार इसको वापस देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो कितनी है? 7.99 लाख करोड़। कितनी है? स्थिर कीमतों पे है 7.99 लाख करोड़ जबकि राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे है 14.14 लाख करोड़। राजस्थान की जीएसडीपी का भारत की जीडीपी में योगदान है 5.18%। राजस्थान की एनएसडीपी कितनी है स्थिर कीमतों पे? वह है 6.95 लाख करोड़। राजस्थान की एनएसडीपी है प्रचलित कीमतों पे वह है 12.60 लाख करोड़, ठीक है। ये आपको याद करने हैं, ठीक। तो अब आगे हम देखते हैं कि भारत की राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय पीसीआई का मतलब है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पीसीआई का मतलब पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी है? 86,134 रुपये, ठीक है। जबकि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर है 1,56,149 रुपये, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 86,134 रुपये जबकि प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर है 1,56,149 रुपये, ठीक है। ये हो गई प्रति व्यक्ति आय। अब हम आगे देखते हैं जीएसवीए। राजस्थान का जीएसवीए कितना है? जीएसवीए का मतलब होता है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है। जीएसवीए का मतलब क्या होता है? ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड यानी सकल राज्य मूल्य वर्धन, ठीक है। जीएसवीए यानी सकल राज्य मूल्य वर्धन वो कितना है? 13.11 लाख करोड़, ठीक है। राजस्थान का जीएसवीए है 13.11 लाख करोड़। अब आप आगे देखते हैं कि राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था? वो हुआ था 253.99 लाख मैट्रिक टन। कितना है? 253.99 लाख मैट्रिक टन क्या है? कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी है? वह 23,487 मेगावाट। तो राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा है 23,487 मेगावाट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी वो कितना है? 134.65, ठीक है। तो राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? 134.65 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक है 388.29, ठीक है। तो राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक है 388.29। तो अब हम देखते हैं राजस्थान के है उसका है ना क्षेत्र है, ठीक है। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र है जैसे कृषि हो गए, उद्योग हो गए या सेवा हो गए। तो
तो कृषि उद्योग और सेवा इनका है ना राजस्थान की जीएसवीए में यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन, ठीक है, सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, इसमें योगदान कितना है? तो कृषि का योगदान है 28% लगभग, ठीक है, उद्योगों का योगदान है लगभग 27% और सेवाओं का योगदान है लगभग 43%, ठीक है। तो आपके आरएस 2023 में क्वेश्चन आया है कि ये क्वेश्चन अभी हम आगे देखेंगे कि जो जीएसवी में है ना सबसे अधिक योगदान किसका है, तो वो उसमें उसका आंसर था व्यापार, ठीक है, व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट, ठीक है। तो इनका नाम ये व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट, इसका जीएसपी में सर्वाधिक अधिक योगदान है, ठीक है। आपसे अगर कृषि का पूछा जाए, कृषि का योगदान 28%, उद्योगों का योगदान 27% और सेवा का योगदान लगभग 43%। अब हम आगे देखते हैं कृषि, राजस्थान में कृषि तथा कृषि से संबंध जो क्षेत्र है उनका योगदान कितना है, ठीक है। तो कृषि से संबंधित देख रहे हैं हम, तो फसलों का योगदान है लगभग 46%, पशुपालन का योगदान है राजस्थान में 46.41%, ठीक है, वानिकी का योगदान है राजस्थान में कितना, 7.20%, ठीक है, मत्स्य का योगदान है लगभग 0.39%, ठीक है, मत्स्य का योगदान है कितना है, 0.39%, ठीक है। तो फसलों का योगदान है 46, पशुपालन का है 46.41, वानिकी का योगदान है 7.20 और मत्स्य का योगदान है 0.39%। अब हम आगे देखते हैं कि भू सांख्यिकी, ठीक है, भू सांख्यिकी 2020-21, इसके अनुसार है ना राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है 342.89 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। तो राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है 342 लाख हेक्टेयर, ठीक है। इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 52, लगभग 52%। तो बोया में क्या है, ब है, और 52 में भी ब है, तो ठीक, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 52। बंजर, बंजर भूमि कितनी है, तो बंजर भूमि है लगभग 10%, तो ऐसे याद रख सकते हैं, बंजर दंजर, तो बंजर भूमि कितनी, 10 यानी दंजर, ठीक है, 10%, ठीक है। वानिकी, वानिकी का योगदान कितना है, 8%, ठीक है। तो वानिकी, आनिकी, आनिकी मतलब 8, ठीक है, तो वानिकी का योगदान है 8%। कृषि अयोग्य या ऊसर भूमि ये कितना है, वह है 6.91%, ठीक है। कृषि के अलावा अन्य उपयोगी भूमि वो है 5.86%, ठीक है, कृषि के अलावा अन्य उपयोगी भूमि है 5.86%। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्थायी चारागाह या गोचर भूमि है, ठीक है, गोचर चारागाह में चा चार आ रहा है, ठीक है, च आ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4%, 4.86%, ठीक है। चालू पड़त, इसमें भी च आ रहा है, तो ये भी कितना हो गया, 4, लगभग 4%, ठीक है। तो चालू पड़त का योगदान है 4.99% और स्थायी चारा का कितना है, 4.86%। अन्य पद्धत हो गया, वो हो गया 6.10%। अब हम आगे देखते हैं कि कृषि गणना 2015-16, इसके अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है, वह 76.55 लाख जोते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी जोते हैं, 76.55 लाख जोते हैं, उसमें से महिला प्रचलित जोतों की संख्या वह है 7.75 लाख, ठीक है। तो महिला प्रचलित जोतों की संख्या 7.75 लाख और कुल प्रचलित जोते हैं वह 76.55 लाख। तो 76.55 में से महिला वाली घटा देंगे तो कितने पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या आ जाएगी, वो कितनी है, 68.8 लाख, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जोतों का आकार, ठीक है, वर्तमान में जोतों का आकार, तो सीमांत जोते हैं वो कितनी प्रतिशत है, वो है 40%, ठीक है। लघु जोते लगभग कितनी है, 21%, अर्ध मध्यम जोते हैं लगभग 18%, मध्यम जोते हैं 14% और वृहत जोते हैं 4%, ठीक है। तो सीमांत जोते लगभग कितनी है, 40%, लघु जोते कितनी है, लगभग 21%, अर्ध मध्यम है 18, ठीक है, मध्यम है 14 और वृहत जोते लगभग 4%, ठीक है, ऐसे ये नीचे जाते हुए घट रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान में कृषि उत्पादन, ठीक है, तो 2022-23 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ था, वो है 253.99 लाख मेट्रिक टन, कितना है, 253.99 लाख मेट्रिक टन। 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन है 253.99 लाख मेट्रिक टन, तो इसमें पिछले साल से कितनी वृद्धि हुई है, वह है 9.71% वृद्धि हुई है पिछले साल से, ठीक है। तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन तो हो गया 253.99 लाख मेट्रिक टन हो गया, ठीक है। उसमें से खरीफ का उत्पादन है वह है 97.98 लाख मेट्रिक टन, जबकि रबी का उत्पादन है वह है 156.01 लाख मेट्रिक टन, ठीक है। तो खरीफ का उत्पादन क्या हो गया, कम है, कितना है, 97.98 लाख मेट्रिक टन, जबकि रबी का उत्पादन है 156.01 लाख मेट्रिक टन है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि खरीफ की फसल और रबी की फसल, तो हमारे जो
मैन हम देखते हैं खरीफ और रबी में क्या है, जो तिलहन वाली फसलें है ना, तो तिलहन वाली फसलें रबी की कौन सी है और खरीफ की कौन सी है वो देखते हैं। ठीक है, तो तिलहन खरीफ है वो है मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी। ठीक है, एक तो हो गया मूंगफली, दूसरा तिल, तीसरा सोयाबीन और चौथा ये अरंडी। ये सभी क्या है, तिलहन की फसलें क्या है, खरीफ की है। ठीक है, जबकि हम देखते हैं कि राई, सरसों, तारामीरा, अलसी, ये सभी जो तिलहन की फसलें है ये किसकी है, रबी से संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में, पूरे देश में पहला स्थान है। ठीक है, तो ऐसी पांच फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है, वो कौन कौन सी है। पहला हो गया बाजरा, दूसरा सरसों, तीसरा पोषक अनाज, चौथा कुल तिलहन और पांचवा ग्वार। ठीक है, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार, इन पांचों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। ठीक है, तो बाजरा का कितना उत्पादन होता है पूरे देश का, लगभग 41% उत्पादन राजस्थान में होता है। सरसों का 44% उत्पादन राजस्थान में होता है। पोषक अनाज का 16% उत्पादन राजस्थान में होता है। कुल तिलहन का 22% उत्पादन राजस्थान में होता है, जबकि ज्वार का पूरे देश का लगभग 84% उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक है, तो पांच फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। पांच फसलें कौन कौन सी, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार, इन पांचों के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ठीक है, और हम देखते हैं कि बाजरा का उत्पादन 41% होता है राजस्थान में है, सरसों का 44%। ठीक है, पोषक अनाज का 16%, कुल तिलहन का 22 और ग्वार का 84% उत्पादन राजस्थान में ही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सी फसलों के उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। तो कुल दलहन और वो मूंगफली, दो फसलें हैं, एक तो कुल दलहन और दूसरी होगी मूंगफली। इन दोनों फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान है। कौन सा है, दूसरा स्थान, कुल दलहन और मूंगफली के उत्पादन में। ठीक है, उधर आपन ने पहला स्थान क्या देखा था, वो था कुल तिलहन। ठीक है, वो तिलहन था। ठीक है, और ये जो मूंगफली है उसके उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राजस्थान का ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन में तीसरा स्थान है, तो चना, ज्वार और सोयाबीन। ठीक है, चना, ज्वार और सोयाबीन, इन तीनों फसलों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान, तीसरा स्थान है। एक तो हो गया चना, दूसरा हो गया ज्वार और तीसरा सोयाबीन, इन तीनों फसलों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि गन्ना, गन्ने का उत्पादन राजस्थान में, गन्ने का उत्पादन कितना होता है, वो है 2.18 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, 2.18 लाख मैट्रिक टन हुआ है राजस्थान में गन्ने का उत्पादन। ठीक है, कपास का उत्पादन कितना हुआ है, वह 25.53 लाख गाठे। ठीक है, 50 कपास का उत्पादन हुआ है 25.53 लाख गाठे। अब हम आगे देखते हैं पशुपालन। ठीक है, पशुपालन से संबंधित देखते हैं, पशु गणना जो 2019 में हुई थी उसके अनुसार राजस्थान में पशुधन कितना है, वो है 568 लाख पशुधन है। वर्तमान में राजस्थान में कितना पशुधन है, वो है 568 लाख पशुधन है वर्तमान में राजस्थान में। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान में पशुधन है कितना है, 568 लाख, जो कि पूरे देश के पशुधन का कितना है, 10.60%। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान में पशुधन कितना है, 568 लाख, जो कि पूरे देश के पशुधन का कितना है, 10.60% पशुधन राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान में जो ऊंट है ना, वो पूरे देश का कितना है, 84% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे देश की लगभग 14% बकरियां राजस्थान में मिलती है, पूरे देश की 12% जो है भैंस राजस्थान में, और पूरे देश में लगभग जो 10% भेड़े हैं वो राजस्थान में, और गायें कितनी, 7%, लगभग 7% गायें राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान है ना, ऊन व दूध, इन दोनों के उत्पादन में भी देश में क्या, फर्स्ट नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो ऊन के उत्पादन में भी राजस्थान का देश में स्थान हो गया पहला, और दूध के उत्पादन में भी राजस्थान का देश में स्थान हो गया पहला। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान का दूध उत्पादन होता है ना, वो पूरे देश के दूध उत्पादन का कितना परसेंट है, वो 14%। पूरे देश में जितना भी दूध का उत्पादन होता है ना, वो उसका लगभग 14% है ना उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। तो ये दूध और ऊन के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है ना, ये आपके अगस्त 2023 की सूजस में लिखा हुआ है। ठीक है, अगस्त 2023 की सूजस में लिखा हुआ है कि राजस्थान का अब ऊन व दूध के उत्पादन में देश में पहला स्थान हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं राजस्थान का दूध का उत्पादन होता है ना, वो पूरे देश के दूध के उत्पादन का लगभग कितना, 14% कहाँ उत्पादन होता है, राजस्थान में होता है। ठीक है,
अब देखते ऊन का उत्पादन, तो पूरे देश में जितनी भी ऊन उत्पादित होती है उसके लगभग 42% का ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। तो पूरे देश के दूध उत्पादन का लगभग 14% राजस्थान में, और पूरे देश के ऊन उत्पादन का लगभग 42% ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। अब हम आगे देखते हैं उद्योगों के बारे में। ठीक है, हमने देखे देखा था कि उद्योगों का राजस्थान की जीएसवी यानी सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना योगदान था? वो था 27%, लगभग 27%। ठीक है, तो और अब हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र है, उसके कुछ उप क्षेत्र है। ठीक है, तो उनका योगदान कितना कितना है? तो जैसे देखते हैं विनिर्माण, ठीक है, यानी उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का योगदान है 41%, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का योगदान है लगभग 32%, विद्युत गैस और जल आपूर्ति का योगदान है लगभग 13%, खनन तथा उत्खनन का योगदान है लगभग 12%। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एमएसएमई नीति 2022। ठीक है, तो एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। ठीक है, तो एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो एमएसएमई नीति जो भी दो बार लागू की गई है, एक तो 2019 में और दूसरा 2022 में। ठीक है, एमएसएमई नीति दो बार लागू की गई है, एक तो 2019 में और दूसरा 2022 में। तो एमएसएमई नीति 2022 कब लागू की गई? वो की गई 17 सितंबर 2022 को। ठीक है, एमएसएमई नीति 2022 लागू की गई 17 सितंबर 2022 को। ठीक है, 1 जुलाई 2020 से ना कुछ मानदंड परिवर्तित हुए हैं, जिसके आधार पर ना माइक्रो उद्योग कौन से हो गए, स्मॉल उद्योग कौन से हो गए, या फिर मीडियम उद्योग कौन से हो गए, उनकी परिभाषा में चेंज आया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि माइक्रो उद्योग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कौन से उद्योग है जिन्हें माइक्रो कह सकते हैं? ठीक है, तो ऐसे उद्योग जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक हो, ठीक है, तथा जिनका टर्नओवर कितना हो, 5 करोड़ तक हो। ठीक है, ऐसे उद्योग जिनमें इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ तक का हो और टर्नओवर कितना है, 5 करोड़ तक का, वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो उद्योग। ठीक है, स्मॉल उद्योग में कौन कौन आ सकते हैं? तो ऐसे उद्योग जिनमें इन्वेस्टमेंट कितना हो, 10 करोड़ का, और टर्नओवर हो 50 करोड़ का। ठीक है, तो माइक्रो उद्योग में तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़। ठीक है, स्मॉल उद्योग में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़, जबकि जो मीडियम उद्योग है उनमें इन्वेस्टमेंट कितना है, 50 करोड़ का और टर्नओवर 250 करोड़ का। ठीक है, तो स्मॉल उद्योग है उसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का और टर्नओवर कितना है, 250 करोड़ का। तो इस आधार पर है ना उद्योगों को अपन विभाजित कर सकते हैं कि कौन सा माइक्रो उद्योग है, कौन सा मीडियम उद्योग है, या कौन सा अपन बोल सकते हैं कि स्मॉल उद्योग है। ठीक है, तो इस आधार पर विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रिप्स रिप्स कब लागू की गई? 2022 में। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, एक तो एमएसएमई और दूसरा रिप्स। ठीक है, रिप्स ये दोनों है ना दो बार लागू की गई है, एक तो है ना 2019 में और दूसरा 2022 में। एमएसएमई भी 2019 में, 2022 में, और रिप्स भी 2019 में तथा 2022 में लागू की गई है। ठीक है, तो एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जबकि रिप्स रिप्स की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। क्या है? रिप्स की फुल फॉर्म राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। ठीक है, तो रिप्स 2022 कब लागू की गई? वो लागू की गई 7 अक्टूबर 2022 को। तो रिप्स 2022 लागू की गई 7 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिप्स दो बार लागू की गई, 2019 में 2022 में। ठीक है, तो अब रिप्स 2019 कब लागू की गई? तो वो है 17 दिसंबर 2019 से। ठीक है, तो रिप्स 2019 लागू की गई 17 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, मतलब राजस्थान की नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई है? वो है 2019 को। ठीक है, वर्तमान राजस्थान में लगभग 7 औद्योगिक नीतियां लागू हो चुकी है, तो अभी जो सबसे नवीनतम अभी औद्योगिक नीति लागू हुई है वो है 2019 की औद्योगिक नीति। अब हम आगे देखते हैं इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम है वो पूरे इंडिया में हुआ था। ठीक है, तो वो इंडिया के कौन कौन से जिलों में हुआ था? अलवर में, अहमदाबाद, बड़ोदरा में, दिल्ली में तथा जयपुर में, इन इन जिलों में हुआ है इन्वेस्टर प्रोग्राम, इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम अलवर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, दिल्ली तथा जयपुर, इन इन जिलों में हुआ है।
ठीक है। तो अलवर में इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम कब हुआ? 7 अप्रैल 2022 को हुआ। अहमदाबाद तथा वडोदरा में इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम हुआ 9 से 10 जून 2022 को हुआ। दिल्ली में इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम हुआ 24 अगस्त 2022 को। जयपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम हुआ 17 सितंबर 2022 को हुआ है। ठीक है, अब हम आके देखते हैं कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट। तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ है ना, कब हुआ था? वो हुआ था 7 से 8 अक्टूबर 2022 को। इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ था, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC, जो कि सीतापुरा जयपुर में स्थित है, वहां पे क्या हुआ था? इन्वेस्ट राजस्थान समिट, ठीक है। तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट कहाँ हुआ था? 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में हुआ था। अब हम आगे देखते हैं रिको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिको, रिको की फुल फॉर्म क्या होती है? रिको की फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, RIICO। तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये क्या हो गई? रिको की फुल फॉर्म। तो रिको की स्थापना कब की गई थी? 1980 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जो रिको होता है ना, वो राजस्थान में क्या करता है? औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, ठीक है। तो औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था संस्था कौन सी है? वो है रिको है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिको राज्य में क्या करते हैं? निवेश को आकर्षित करने एवं औद्योगिक सुविधा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो रिको का काम क्या है? पहला तो क्या है? उद्योगों को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। दूसरा है रिको राज्य में क्या करती है? निवेश को आकर्षित करती है, इन्वेस्टमेंट को क्या करती है? आकर्षित करती है, तथा औद्योगिक सुविधा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निवेश को आकर्षित करती है तथा औद्योगिक सुविधा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब हम देखते हैं राजस्थान में रिको द्वारा कुछ पार्क या जोन स्थापित किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कितने? एग्रो फूड पार्क राजस्थान में कितने हैं? 4 एग्रो फूड पार्क है, ठीक है। पहला एग्रो फूड पार्क कहाँ है? कोटा में। दूसरा कहाँ है? अलवर, गंगानगर और जोधपुर, बोरानाडा, बोरानाडा जोधपुर में, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, कागज, के से मतलब क्या हो गया? कोटा, ए से मतलब क्या हो गया? अलवर, अलवर, जी से मतलब क्या हो गया? गंगानगर, गंगानगर, और जे से मतलब क्या हो गया? जोधपुर, ठीक है। तो राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क है? 4 एग्रो फूड पार्क है, कोटा, अलवर, गंगानगर तथा जोधपुर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र है तिवरी जोधपुर में। कहाँ स्थित है? तिवरी जोधपुर में स्थित है राज्य में खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में जो जापानी पार्क है, जापानी पार्क कहाँ पे स्थित है? तो वो है नीमराणा अलवर में, दूसरा है घिलोट अलवर, ठीक है। तो दोनों जापानी पार्क कहाँ पे स्थित है? अलवर में। तो पहला तो कहाँ है? नीमराणा अलवर में, और दूसरा है घिलोट अलवर में, दोनों जापानी पार्क, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे क्या भी कहा जाता है? सेज, SEZ, SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान में निम्न निम्न विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो राजस्थान का जो पहला सेज है ना, वो कहाँ पे बनाया गया था? तो वो है बोरानाडा जोधपुर में, ठीक है। तो राजस्थान का पहला सेज कहाँ था? वो है बोरानाडा जोधपुर में, और वो सेज किससे संबंधित है? हैंडीक्राफ्ट से, ठीक है। तो राजस्थान का पहला सेज कहाँ है? बोरानाडा जोधपुर में, और वो किससे संबंधित है? हैंडीक्राफ्ट से। दूसरा अब हम देखते हैं कि सेज 1 और सेज 2, ये दोनों कहाँ पे स्थित है? ये दोनों स्थित है सीतापुरा जयपुर में, और ये किससे संबंधित है? जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित है, ठीक है। तो सेज 1 और सेज 2 ये दोनों कहाँ स्थित है? सीतापुरा जयपुर में, और ये दोनों जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित है। अब हम देखते हैं अगला, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज, यानी महिंद्रा सेज कहाँ पे स्थित है? वो जयपुर में स्थित है। इसमें IT, इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोमानी सेज, तो सोमानी सेज कहाँ है? खुसखेड़ा भिवाड़ी में स्थित है, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं वाटिका सेज, वाटिका सेज कहाँ पे स्थित है? जयपुर में, और ये IT से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि RNB इंफ्रास्ट्रक्चर सेज, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है, और टेक्सटाइल से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। RNB इंफ्रास्ट्रक्चर सेज कहाँ है? वो है बीकानेर में, टेक्सटाइल से संबंधित है। नेक्स्ट सेज है
जैनपैक्ट सेज, ठीक है, GENPACT, जैनपैक्ट सेज कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। वो किससे संबंधित है? आईटी से संबंधित है। अगला देखते हैं हम मानसरोवर सेज, ठीक है, मानसरोवर सेज कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है और आईटी से संबंधित है। ये तो क्या हो गया, राजस्थान के सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब अपन हम देखते हैं कि राजस्थान में जो मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान का जो पहला मेगा फूड पार्क था ना, फर्स्ट मेगा फूड पार्क, वो कौन सा है? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, ठीक है, कौन सा है? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? रूपनगढ़ अजमेर में। तो राजस्थान का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, वो कहाँ पे स्थित है? वो है रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है, ठीक है। दूसरा जो मेगा फूड पार्क है वो है श्री राम मेगा फूड पार्क, वो बन रहा है पलाना बीकानेर में, ठीक है। तो ये क्या है, प्रक्रियाधीन है। तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है वो है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, रूपनगढ़ अजमेर में है। दूसरा जो मेगा फूड पार्क है वो है श्री राम मेगा फूड पार्क, जो कि पलाना बीकानेर में है और ये प्रक्रियाधीन है, बन रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं राजस्थान में ना कुछ स्पाइस पार्क है, ठीक है, कुछ और अलग एक्स्ट्रा पार्कों के बारे में देखते हैं। तो स्पाइस पार्क है, ठीक है, तो कुछ मतलब एक्स्ट्रा पार्कों के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्पाइस पार्क यानी मसाला पार्क। तो राजस्थान में मसाला पार्क है ना, पहला राज्य का जो पहला मसाला पार्क है वो कहाँ पे स्थापित किया गया? वो है रामपुरा भाटिया जोधपुर में, ठीक है। तो राज्य का जो पहला मसाला पार्क है वो यार स्पाइस पार्क है, वो कहाँ पे स्थापित किया गया? रामपुरा भाटिया जोधपुर में। राज्य का दूसरा मसाला पार्क है वो कहाँ पे स्थापित किया गया? रामगंज मंडी कोटा में, ठीक है। तो मसाला पार्क कहाँ कहाँ स्थित है? एक तो है रामपुरा भाटिया जोधपुर में और दूसरा है रामगंज मंडी कोटा में, ठीक है। तो ये क्या है, मसाला पार्क। अगर अपन से बोल दे कि राजस्थान में ऑक्सीजन सिटी पार्क, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन पार्क, ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे स्थित है? कोटा में। तो राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? वो है कोटा में। अब हम आगे देखते हैं कि इंडिया स्टोन मार्ट 2022, इसका 11वां संस्करण, ठीक है, उसका आयोजन कब हुआ? 10 से 13 नवंबर 2022 को हुआ, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा जयपुर में हुआ, ठीक है। तो राजस्थान इंडिया स्टोन मार्ट का 11वें संस्करण का आयोजन JECC जयपुर में हुआ तथा इसका आयोजन 10 से 13 नवंबर 2022 को हुआ, ठीक है। इसका आयोजन कब हुआ? 10 से 13 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल, ठीक है, जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ 11 से 12 नवंबर 2022 को, ठीक है। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 11 से 12 नवंबर 2022 को आयोजन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान वित्त निगम RFC, ठीक है, RFC, राजस्थान वित्त निगम, ठीक है, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई 1955 में हुई, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई 1955 में, ठीक है। और ये राजस्थान वित्त निगम, इसका काम क्या होता है? ये माइक्रो स्मॉल तथा मीडियम औद्योगिक इकाइयों को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है, ठीक है। तो RFC यानी राजस्थान वित्त निगम, इसकी स्थापना भी 1955 में, ठीक है, सॉरी 1955 में, RFC की स्थापना कब हुई? 1955 में, ठीक है। और ये इसका काम क्या है? ये माइक्रो स्मॉल तथा मीडियम जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको ऋण प्रदान करता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं राजसिको, ठीक है, राजसिको, तो राजसिको की फुल फॉर्म है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो राजसिको की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान, दूसरा हो गया स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ठीक है। तो राजसिको की फुल फॉर्म है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजसिको की स्थापना हुई जून 1961 में हुई, ठीक है, राजसिको की स्थापना हुई जून 1961 में, ठीक है। तो राजसिको का काम क्या है? यह लघु उद्योगों व कारीगरों को सहायता प्रदान करती है। राजसिको स्मॉल इंडस्ट्री से संबंधित है, इसके नाम में ही आ गया, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये क्या है, लघु उद्योगों तथा उनके कारीगरों को क्या प्रदान करती है? सहायता प्रदान करती है। दूसरा, ये हस्तशिल्प को क्या देती है? बढ़ावा देती है। अब हम आगे देखते हैं राजस्थान हस्तशिल्प नीति। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, ठीक, ये कब लागू हुई? 17 सितंबर 2022 को लागू हुई, ठीक है। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 को लागू हुई। अब हम देखते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, इसे क्या कहा जाता है? DMIC मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। तो DMIC क्या है? तो दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक, इसके बीच में एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो दादरी यूपी है, दादरी कहाँ स्थित है? यूपी में। उससे JLN पोर्ट जो मुंबई में स्थित है,
उसके बीच में एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता क्या है, वो एक ऐसे रेल रेल का मार्ग होता है जहाँ पे कि मुख्यतः किसके लिए यूज दिया होता है, वो माल या वस्तुओं के परिवहन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, एक रेल मार्ग होता है जिसका मुख्यतः उपयोग माल या वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में क्या है, दादरी यूपी से जेएलएन पोर्ट मुंबई के बीच में एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1504 किलोमीटर। इसका 38% भाग कहाँ से गुजरता है, राजस्थान से, ठीक है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कितना, 38% भाग राजस्थान से गुजरता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्देश्य है नए जो औद्योगिक शहर है उनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। अब हम देखते हैं डीएमआईसी, ठीक है। तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो हमने देखा, दिल्ली से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमने अभी देखा है कि मतलब उसमें क्या है, एक रेल मार्ग है जो कि मुख्यतः किसके लिए यूज होता है, माल या वस्तुओं के परिवहन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस रेल मार्ग के दोनों तरफ, ठीक है, इस रेल मार्ग के दोनों तरफ क्या है, लगभग 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, डीएमआईसी, ठीक है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसके दोनों तरफ लगभग 150 किलोमीटर के जो प्रभाव क्षेत्र है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डीएमआईसी, ठीक है। तो डीएमआईसी के तहत राजस्थान में विकसित किए गए क्षेत्र कौन कौन से है, तो डीएमआईसी के तहत राजस्थान में मुख्यतः दो क्षेत्र विकसित किए गए। पहला है खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र, पहला तो कौन सा है, खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र है, ठीक है। और दूसरा है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। पहला तो है खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र है, दूसरा है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। तो खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र है ना, वो 165 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इसमें क्या है, अलवर के 43 गांव सम्मिलित है, ठीक है। जबकि अपन देखते हैं कि जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है वो 154 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इसमें पाली के 9 गांव सम्मिलित है, ठीक है। तो डीएमएससी के तहत राजस्थान में कितने दो क्षेत्र है, एक तो है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा है खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र, ठीक है। दो क्षेत्र स्थित है, ठीक है। इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए किसकी स्थापना की गई है, तो वो है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, रिडको, ठीक है, RIDCO, मतलब राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की गई है। किसके लिए, ये जो जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र, इन दोनों के क्या करने के लिए, विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है, RIDCO की, ठीक है। अब देखते हैं RIDCO की स्थापना की कब गई है, वह 15 मार्च 2022 को। RIDCO की स्थापना की गई है 15 मार्च 2022, कब की गई है, 15 मार्च 2022। अब हम आगे देखते हैं निर्यात, ठीक है। तो वर्ष 2021-22 में राजस्थान से होने वाला कुल निर्यात कितना है, वह है 71,999 रुपए, कितना है, 71,999 करोड़ रुपए, ठीक है, सॉरी 71,999 करोड़ रुपए, ठीक है। 2021-22 में राजस्थान से होने वाला कुल निर्यात है 71,999 करोड़ रुपए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान से निर्यात होने वाली पांच शीर्ष वस्तुएं कौन सी है, ठीक है। तो राजस्थान से निर्यात होने वाली पांच शीर्ष वस्तुओं में सबसे पहले नंबर पे है इंजीनियरिंग, दूसरे पे है कपड़ा, तीसरे पे है धातु, चौथे पे है हस्तशिल्प, और पांचवे पे है रासायनिक पदार्थ, ठीक है। तो निर्यात होने वाली पांच शीर्ष वस्तुएं है इंजीनियरिंग, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प और रासायनिक पदार्थ। ये पांच जो टॉप की वस्तु है जो कि राजस्थान से निर्यात होती है। तो इन पांच वस्तुओं, ये जो पांच जो चीजें है, ये राजस्थान के निर्यात में कितने योगदान देती है, 60%, ठीक है। तो राजस्थान से कुल जितना निर्यात होता है, कुल कितना होता है, हमने देखा था अभी 71,999 करोड़ रुपए का निर्यात होता है राजस्थान से, उसमें से लगभग 60% तो इन पांच चीजों से ही मिल जाता है, ठीक है। कौन कौन सी, इंजीनियरिंग, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प और रासायनिक पदार्थ। अब हम आगे देखते हैं मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो कब चालू किया गया, वो चालू किया गया 29 जुलाई 2021 को चालू किया गया, ठीक है। मिशन निर्यातक बनो का दूसरा चरण कब चालू किया गया, वो है 5 दिसंबर 2022 को, ठीक है। मिशन निर्यातक बनो का दूसरा चरण चालू किया गया 5 दिसंबर 2022 को। आगे हम देखते हैं राजस्थान की औद्योगिक नीतियां। तो राजस्थान में अब तक लगभग 7 औद्योगिक नीतियां लागू की जा चुकी है,
ठीक है, पहली औद्योगिक नीति बनाई गई थी 1978 में, दूसरी औद्योगिक नीति 1990, तीसरी 1994, चौथी 1998, फिर 2010, 2015, और वर्तमान में जो औद्योगिक नीति है वो 2019 की औद्योगिक नीति है। वो कब लागू की गई? 1 जुलाई 2019 को। ठीक है, तो पहली औद्योगिक नीति 1978, फिर 1999, 1994, 1998, 2010, 2015 और 2019 में वर्तमान में औद्योगिक नीति लागू की गई है। अब हम आगे देखते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके तहत एक जिले के लिए एक विशेष उत्पाद मतलब बनाया गया है, लागू किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं, आपन से ये पूछा जा सकता है कि है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट है वो किस जिले से संबंधित है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट वो किस जिले में है, अलवर। सिंथेटिक यान किससे संबंधित है, बांसवाड़ा। सोयाबीन किससे संबंधित है, बारा से। चावल चावल किससे संबंधित है, बूंदी से। इसबगोल किससे संबंधित है, बाड़मेर से। खाद्य तेल तथा शहद वो किससे संबंधित है, भरतपुर से। खाद्य तेल तथा शहद किससे संबंधित है, भरतपुर से। नेक्स्ट है कि रेडीमेड गारमेंट यानी डेनिम किससे संबंधित है, भीलवाड़ा से। सिरेमिक किससे संबंधित है, बीकानेर से। वुड प्रोडक्ट संबंधित है, चूरू से। मिल्क पाउडर या दूध किससे संबंधित है, धौलपुर से। अगला है ग्वार गम, ग्वार गम, ग्वार गम किससे संबंधित है, हनुमानगढ़ से। जेम्स एंड ज्वेलरी तथा ब्लू पॉटरी किससे संबंधित है, जयपुर से। नेक्स्ट है कि येल्लो मार्बल, ठीक है, येल्लो मार्बल किससे संबंधित है, जैसलमेर से। मसाले तथा मोजड़ी जूती किससे संबंधित है, वह है जालोर से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो मेहंदी है, ठीक है, तो मेहंदी किससे संबंधित है, मेहंदी संबंधित है वह है पाली से। ठीक है, नेक्स्ट है टेराकोटा, टेराकोटा किससे संबंधित है, वह है राजसमंद से। टूरिज्म, टूरिज्म का संबंध है सवाई माधोपुर से। साइलियम हस्क, साइलियम हस्क संबंधित है सिरोही से। थेवा कला या लहसुन, ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित है, वे है प्रतापगढ़ से। ठीक है, थेवा कला और लहसुन ये दोनों किससे संबंधित है, ये दोनों है प्रतापगढ़ से संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 30 अक्टूबर 1974 को। ठीक है, राजस्थान में एम्स एंड नीति कब लागू की गई, तो एम्स एंड नीति लागू की गई 2020 में। ठीक है, एम्स एंड नीति कब लागू की गई 2020 में। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के ना कितने दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक तो परंपरागत स्रोत और दूसरे गैर परंपरागत। ठीक है, परंपरागत स्रोत होते हैं ना वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, मतलब इसको वापिस से इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, एक बार खत्म होने के बाद इनका निर्माण वापिस से नहीं किया जा सकता। जैसे हो गए कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। मतलब एक बार इनको खत्म होने के बाद इनका वापिस से उत्पादन नहीं किया जा सकता, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, जबकि जो दूसरा है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं, वो क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं। मतलब इनका एक बार खत्म होने के बाद वापिस से उत्पादन किया जा सकता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है, अक्षय ऊर्जा, मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होती है। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा में कौन कौन आ गए, वो आ गए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सब किस में आते हैं, अक्षय ऊर्जा में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला। ठीक है, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भी राजस्थान का देश में स्थान है पहला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राजस्थान में कुल अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी है, वह है 23,487 मेगावाट। नेक्स्ट है कि ऊर्जा मंत्रालय, जो भारत का ऊर्जा मंत्रालय है ना, उसने एक आकलन किया है, उसके अनुसार राजस्थान में कुल कितनी सौर ऊर्जा स्थापित हो सकती है, तो वह है 142 गीगावाट। ठीक है, तो भारत का ऊर्जा मंत्रालय उसके अनुमान के अनुसार राजस्थान में 142 गीगावाट तक की सौर ऊर्जा उत्पादित हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई, 2019 में। राजस्थान पवन एवं सौर ऊर्जा हाइब्रिड नीति ये भी कब लागू हुई, ये भी 2019 में। सौर ऊर्जा नीति तो लागू हुई 2019 में, लेकिन ना पवन और सौर ऊर्जा हाइब्रिड नीति ये भी कब लागू हुई, 2019 में, 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है, अब हम देखते हैं देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, वह है भड़ला जोधपुर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, वह है 14 दिसंबर। ये वाला क्वेश्चन RS 2023 में आपके पूछा गया है। ठीक है, तो कि राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को, कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर।
नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो वह पूगल बीकानेर में। ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है वो है ना 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी पूगल बीकानेर में। नेक्स्ट है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ठीक है, निगम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को कौन सा अवार्ड मिला है, वह है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बड़ला पार्क हमने देखा था विश्व क्या जो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ठीक है, वो बड़ला जोधपुर में स्थित है, उसका जो 4 चरणों में विकसित किया गया है। ठीक है, तो पहला चरण क्या है, फलोदी पोखरण सोलर पार्क। ठीक है, फलोदी पोखरण सोलर पार्क, इसमें कितनी सौर ऊर्जा उत्पादित होती है, 750 मेगावाट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है कि ये राज्य सरकार व एसएल इंफ्रा लिमिटेड के क्रियान्वयन से मतलब सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो फलोदी पोखरण सोलर पार्क है वो है राज्य सरकार व एसएल इंफ्रा लिमिटेड के सहयोग से बनाया जा रहा है। दूसरा है फतेहगढ़ फेज बी, ठीक है, इसमें 1500 मेगावाट तक की है ऊर्जा। ठीक है, ये अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के सहयोग से बनाया जा रहा है। तीसरा देखते हैं नोख, जो कि जैसलमेर में स्थित है, उसमें 925 मेगावाट तक की ऊर्जा उत्पादित है। ठीक है, और ये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी RSDCL, ठीक है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी RSDCL के सहयोग से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि पूगल बीकानेर कहाँ है, पूगल बीकानेर इसमें 1450 मेगावाट तक की ऊर्जा उत्पादन हो रही है, ये RSDCL कंपनी के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा पर आधारित पंप योजना, सौर ऊर्जा पर आधारित जो पंप की योजना है वो क्या कहलाती है, कुसुम। ठीक है, कुसुम योजना कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में कुल अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी है, 23487 मेगावाट है। ठीक है, राजस्थान में कुल अधिष्ठापित ऊर्जा है 23487 मेगावाट, उसमें से पवन ऊर्जा है 3730 मेगावाट, सौर ऊर्जा है 3348 मेगावाट, बायोमास ऊर्जा है 101 मेगावाट। ठीक है, अब हम देखते हैं खनिज तेल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खनिज तेल कि भारत में कुल खनिज कुल कुल कच्चे तेल का, भारत में कुल कितने कच्चे तेल का उत्पादन होता है ना उसका, ठीक है, भारत है पूरा भारत, उसमें ना कुल कच्चे तेल का उत्पादन होता है वो है 30 MMTPA। ठीक है, तो भारत में कुल कच्चे तेल का उत्पादन होता है वो है 30 MMTPA, पूरे इंडिया में कच्चे तेल का उत्पादन होता है 30 MMTPA। ठीक है, MMTPA का मतलब होता है मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। ठीक है, मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। ठीक, तो पूरे भारत में तो कितना होता है, 30 MMTPA। ठीक है, उसमें से राजस्थान में कितना होता है उत्पादन, वो है 6 MMTPA। ठीक है, मतलब 30 में से 6 तो कहाँ होता है उत्पादन, राजस्थान में, तो मतलब कितना 20% उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। ठीक है, तो कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है वो दूसरा स्थान है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, बॉम्बे हाई। तो इसको एक बार वापस देख लेते हैं, तो कि कच्चे तेल का जो उत्पादन होता है पूरे इंडिया में 30 MMTPA, राजस्थान में उत्पादन होता है 6 MMTPA, राजस्थान में कुल इंडिया के उत्पादन का कितना है, 20% उत्पादन होता है, कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा, पहले नंबर पे कौन है, बॉम्बे हाई। अब आगे देखते हैं राजस्थान में कितने पेट्रोलिप फेरस बेसिन है, तो वो है 4 पेट्रोलिप फेरस क्षेत्र है। ठीक है, तो 4 पेट्रोलिप फेरस क्षेत्र है किसमें, राजस्थान में। ठीक है, 4 पेट्रोलिप फेरस क्षेत्र है, लेकिन उसमें जिले कितने आते हैं, 14 जिले आते हैं। ठीक है, और उसमें क्षेत्रफल कितना है, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। तो 4 पेट्रोलिप फेरस क्षेत्र है, उसमें 14 जिले आते हैं और 1,50,000 का किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आता है। पहला पेट्रोलिफेरस क्षेत्र है बाड़मेर सांचौर बेसिन। ठीक है, ये बाड़मेर व जालौर जिले में स्थित है। दूसरा पेट्रोलिफेरस क्षेत्र है जैसलमेर बेसिन, ये जैसलमेर जिले में स्थित है। तीसरा पेट्रोलिफेरस क्षेत्र है बीकानेर नागौर बेसिन, ये बीकानेर नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू क्षेत्र जिलों में स्थित है। चौथा पेट्रोलिफेरस क्षेत्र है वह विंध्य बेसिन, ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ तथा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिलों में स्थित है। आगे हम देखते हैं कि बाड़मेर सांचौर बेसिन है। ठीक है, उसमें 38 तेल के क्षेत्रों की क्या हो चुकी है, खोज हो चुकी है। ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में 38 तेल के क्षेत्रों की खोज हो चुकी है, जिसमें से कि वर्तमान में
14 से तेल का उत्पादन भी हो रहा है, ठीक है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में 38 तेल के कुओं की खोज हो चुकी है, जिसमें से 14 में क्या हो रहा है, तेल का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन के जो तेल के कुएं हैं, जो बाड़मेर सांचौर बेसिन के जो तेल के कुएं हैं, वो कौन कौन से हैं? मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, गुड़ा, सरस्वती, कामेश्वरी, रागेश्वरी, ये सभी क्या है? बाड़मेर सांचौर बेसिन के तेल के कुएं हैं, ठीक है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन के तेल के कुएं मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, गुड़ा, सरस्वती, कामेश्वरी, रागेश्वरी, ये सब क्या है? बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल के कुएं हैं, ठीक है। बीकानेर नागौर बेसिन में तेल का कुआ, उसका नाम क्या है? पूनम, ठीक है। पूनम तेल का कुआ कहाँ स्थित है? बीकानेर नागौर बेसिन में। आगे हम देखते हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो तेल का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, वो केयर्न इंडिया जो कंपनी है उसके सहयोग से हो रहा है, ठीक है। वो केयर्न इंडिया कंपनी कहाँ की है? वो है स्कॉटलैंड की, ठीक है। और दूसरी कंपनी कौन सी है? वेदांता, ठीक है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में दो कंपनियों के सहयोग से तेल का उत्पादन हो रहा है। पहली तो कौन सी है? केयर्न इंडिया कंपनी, जो कि स्कॉटलैंड की है। दूसरी वेदांता कंपनी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? पचपदरा बाड़मेर में, ठीक है। इसकी स्थापना की गई 16 जनवरी 2018 को, ठीक है। राजस्थान रिफाइनरी में जो HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है? तो HPCL का हिस्सा है 74, ठीक है, और राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा है 26, ठीक है। तो HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा है, HPCL का हिस्सा तो है 74 और राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा है 26। नेक्स्ट देखते हैं, जैसलमेर जिले का बागेवाला क्षेत्र है, ठीक है, उसमें भारी तेल का उत्पादन होता है। तो बागेवाला कहाँ है? जैसलमेर में। उसमें क्या है? भारी तेल का उत्पादन होता है। तो बागेवाला जैसलमेर में भारी तेल का उत्पादन होता है। अब हम देखते हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे में यातायात से संबंधित क्या दिया हुआ है, वो देखते हैं, ठीक है। अब पहला है कि राजस्थान में सड़क परिवहन, ठीक है। तो मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो वो थी 2,78,813 किलोमीटर। कितनी थी? 2,78,813 किलोमीटर थी मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई, ठीक है। तो राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? वो है 81.47 किलोमीटर, ठीक है। तो राजस्थान में सड़कों का घनत्व है वो है 81.47 किलोमीटर, जबकि इंडिया में सड़कों का घनत्व देखते हैं तो वह है 165.23 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में सड़कों का घनत्व है 81.47, इंडिया में है 165.23, ठीक है। अब हम देखते हैं राजस्थान में नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? लगभग 10,000, ठीक है। राजस्थान में नेशनल हाईवे की लंबाई है लगभग 10,000। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्टेट हाईवे की लंबाई है लगभग 17,000। राजस्थान में मुख्य जिला सड़कों की लंबाई है 13,000 और ग्रामीण सड़कों की लंबाई है 1,86,762, ठीक है। वापस से देख लेते हैं एक बार, राजस्थान में जो सड़कों की लंबाई, सड़कों का घनत्व है 81.47, ठीक है। इंडिया में सड़कों का घनत्व है वो है 165.23। राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या है? वह है ग्रामीण सड़कें, कितनी है? वह है 1,86,000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद है स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे कितना है? 17,000 के आसपास। उसके बाद है मुख्य जिला सड़क, मुख्य जिला सड़क कितनी है? लगभग 13,000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 10,000 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मार्च 2021 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई होती 6,019 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई 6,019 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि अगला है कि राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्ग का कितना प्रतिशत रेल मार्ग है? वह है 8.83%, ठीक है। तो राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्गों का 8.83% रेल मार्ग स्थित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1874 में बांदी कुई दौसा से आगरा फोर्ट यूपी के बीच में। तो 1874 में बांदी कुई दौसा से आगरा फोर्ट यूपी के बीच में राजस्थान में पहली रेलगाड़ी चलाई गई। अब हम देखते हैं राजस्थान में खनिज संसाधनों के बारे में, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक सर्वे में एक लाइन लिखी हुई है कि राजस्थान में क्या है? 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है, ठीक है। तो भंडार तो कितना है? 81 प्रकार के खनिजों का, लेकिन वर्तमान में खनन कितना हो रहा है? 58 प्रकार के खनिजों का, ठीक है। तो राजस्थान में खनिजों का भंडार तो कितना है? 81 प्रकार के खनिजों के भंडार है, और खनन कितने का हो रहा है वर्तमान में? 58, ठीक है। 58 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में खनन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खनिज भंडार में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा है, ठीक है। लेकिन खनिज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है तीसरा, ठीक।
अगला है, राजस्थान में किन खनिजों का 100% उत्पादन होता है? ऐसे कौन कौन से खनिज है जिसका कि राजस्थान में 100% उत्पादन होता है, ठीक है, और कहीं इसका उत्पादन नहीं होता, पूरा का पूरा 100% राजस्थान में होता है। पहला तो आ गया सीसा जस्ता अयस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है सीसा जस्ता अयस्क, ये क्या है, एक धात्विक खनिज है, ठीक है। दूसरा आ गया सोलेनाइट और वुलस्टोनाइट, सोलेनाइट वुलस्टोनाइट ये दोनों क्या है, अधात्विक खनिज। अब इकोनॉमिक सर्वे में ये तीन तो बहुत मेन दिए हुए हैं, ठीक है, तो सीसा जस्ता अयस्क क्या है, धात्विक खनिज है जिसका 100% उत्पादन राजस्थान में होता है। सोलेनाइट और वुलस्टोनाइट ये दोनों क्या है, अधात्विक खनिज है जिसका 100% उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। इसके अलावा है तांबड़ा, जास्पर और पन्ना, इनका भी 100% उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है। अब आपके आगे इकोनॉमिक सर्वे में एक लाइन दी हुई है, चांदी, दूसरा कैल्साइट और तीसरा जिप्सम, ठीक है, ये तीन है, इसका लगभग पूरा उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। एक तो गया चांदी, दूसरा कैल्साइट और तीसरा जिप्सम, इनका लगभग पूरा उत्पादन, ऐसे लाइन लिखी हुई है, लगभग पूरा उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। तो चांदी का आपन ने देखा है कितना, 98% उत्पादन राजस्थान में होता है, कैल्साइट का भी 98 और जिप्सम का 93% उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ है, तो वो रोहिल खंडेला तथा सुहागपुरा सीकर में है। तो राजस्थान में यूरेनियम के भंडार है रोहिल खंडेला तथा सुहागपुरा सीकर में। राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ पे मिले, वो आनंदपुरा भुकिया तथा जगतपुरा बांसवाड़ा में मिले हैं, ठीक है। राजस्थान में सोने के भंडार आनंदपुरा भुकिया तथा जगतपुरा बांसवाड़ा में मिले हैं। नेक्स्ट है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, भारतमाला परियोजना सड़क निर्माण से संबंधित है, इसकी शुरुआत हुई थी 31 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट है कि राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 में लागू हुई, कब लागू हुई, 2022 में। नेक्स्ट की सेवा क्षेत्र का GSVA में योगदान कितना था, हमने देखा था लगभग 43%, ठीक है, तो कृषि का योगदान था 28%, उद्योग का योगदान था कितना, 27%, और जो सेवा क्षेत्र है इनका योगदान था लगभग 43%, ठीक है। अब हम आपके ये कहना, ये क्वेश्चन है कि राजस्थान के GSVA में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो किस क्षेत्र का है, वो है होटल, व्यापार तथा रेस्टोरेंट। ये वाला क्वेश्चन आपके RS 2023 में पूछा गया है कि राजस्थान के GSVA में, ठीक है, सर्वाधिक योगदान किसका था, तो वो है होटल का, व्यापार का तथा रेस्टोरेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में किसे उद्योगों का दर्जा प्रदान किया गया है, तो वो पर्यटन तथा हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी ये अस्पताल वाला हॉस्पिटैलिटी नहीं है, ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब है मेहमान नवाजी, ठीक है, ये हॉस्पिटल वाला नहीं है, ये हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब है मेहमान नवाजी, ठीक है। तो वर्तमान में किसे उद्योगों का दर्जा दिया गया है, यह है पर्यटन को, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पूछा गया है, ठीक है, तो वर्तमान में किसे उद्योगों का दर्जा दिया गया है, वह है पर्यटन को। नेक्स्ट देखते हैं हम राजस्थान के जनसंख्या के संबंधित इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया गया है, ठीक है, तो राजस्थान में है ना पूरे इंडिया की इन्हें कितनी, लगभग 5.66% जनसंख्या पूरे इंडिया की कहाँ रहती है, राजस्थान में रहती है, ठीक है, पूरे इंडिया की लगभग 5.66% जनसंख्या कहाँ रहती है, राजस्थान में रहती है, ठीक है। राजस्थान में है ना जो कुल जनसंख्या है उसकी 75.1% जनसंख्या तो कहाँ रहती है, गाँवों में, और उसकी 24.9% जनसंख्या कहाँ रहती है, शहरों में। राजस्थान में कुल जितनी भी जनसंख्या है उसकी शहरी जनसंख्या कितनी है, 24.9%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या वह है 75.1%। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व है 595, ठीक है, जबसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर, जिसका जनसंख्या घनत्व है 17, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, वह है 21.31%, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है बाड़मेर, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है गंगानगर। ये वाला क्वेश्चन भी आपके RS 2023 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किन जिलों में अधिकांश जनसंख्या शहरों में निवास करती है, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या मैक्सिमम परसेंट उनका शहरों में रहता है, तो ऐसे पहले नंबर का जिला है कोटा, दूसरे नंबर का जिला है जयपुर, तीसरे का अजमेर और चौथे का जोधपुर। कोटा की 60% जनसंख्या शहरों में रहती है, जयपुर की 52% जनसंख्या शहरों में, अजमेर की 40% जनसंख्या शहरों में, और जोधपुर की 34% जनसंख्या कहाँ रहती है, शहरों में रहती है। तो ऐसे जिले जिसकी है ना मैक्सिमम जनसंख्या शहरों में रहती है, तो पहले नंबर पे कोटा, दूसरे पे अजमेर, दूसरे पे जयपुर, तीसरे पे अजमेर और चौथे पे जोधपुर है, ठीक है। तो ऐसे अब आप देखते हैं हम ऐसे जिले जिनकी अधिकांश जनसंख्या गाँव में रहती है, तो पहले पे डूंगरपुर, दूसरे पे बाड़मेर, तीसरे पे बांसवाड़ा और चौथे पे वह है प्रतापगढ़। कौन सा है, प्रतापगढ़।
तो आपसे एक बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी मैक्सिमम जनसंख्या शहरों में रहती है, वो है कोटा, और ऐसा कौन सा जिला जिसकी मैक्सिमम जनसंख्या गांव में रहती है, वो है डूंगरपुर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं साक्षरता के बारे में। ठीक है, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, वो है 66.10%। ठीक है, पुरुष साक्षरता है 79.2%, महिला साक्षरता है 52.1%। ठीक है, राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता कितनी है, वो है 61.4%, जबकि शहरी साक्षरता है 79.7%। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, वो है कोटा, और सबसे कम साक्षर जिला है वो है जालोर। ठीक है, राजस्थान का सबसे अधिक साक्षर जिला है कोटा और सबसे कम साक्षर जिला है जालोर। ठीक है, ये तो आपने देखा था कि सर्वाधिक साक्षर जिला। ठीक है, अब हम बात करें शहरी साक्षरता की। ठीक है, तो सबसे अधिक शहरी साक्षरता है उदयपुर में और सबसे कम शहरी साक्षरता है वो है नागौर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2001 से 2011 के बीच में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि हुई, वो किसकी हुई, वो हुई डूंगरपुर की। आगे हम देखते हैं राजस्थान का लिंगानुपात। राजस्थान का लिंगानुपात है 928, इंडिया का लिंगानुपात है वो है 943। राजस्थान का लिंगानुपात इंडिया से कितना कम है, वह है 15 कम है। ठीक है, लिंगानुपात के संदर्भ में राजस्थान का भारत भारत में स्थान है कौन सा, 21वां है। ठीक है, 21वें नंबर पे है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का शहरी लिंगानुपात है 914, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933 है। ठीक, आगे हम देखते हैं राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है, वह है 888। ठीक, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर, जिसका लिंगानुपात है 994। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर, जिसका लिंगानुपात है 846। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे अधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है टोंक, सबसे कम शहरी लिंगानुपात वाला जिला है जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान का बाल लिंगानुपात है 888, राजस्थान का शहरी बाल लिंगानुपात है 874, जबकि राजस्थान का ग्रामीण बाल लिंगानुपात है 892। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला है नागौर, सबसे कम शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा, धौलपुर। अब हम देखते हैं राजस्थान सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई, 2 अक्टूबर 2011 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू हुई 2 अक्टूबर 2011 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू हुई 7 अप्रैल 2013 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना शुरू हुई 7 अप्रैल 2013 को। नेक्स्ट है कि किस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में OPD तथा IPD की सुविधा मुफ्त की गई है। तो पहले हम जाते थे तो 10 रुपये की पर्ची कटती थी। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में वो पर्ची फ्री में देते हैं, तो वो कौन सी योजना के तहत किया गया है, वह है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत राजस्थान में OPD तथा IPD की सेवा क्या की गई है, मुफ्त की गई है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना शुरू कब हुई, वो है 1 मई 2022 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना शुरू हुई 1 मई 2022 को। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये कब शुरू हुई, ये मैं शुरू हुई 1 मई 2021 को। ठीक है, पहले इसमें है ना कितने 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज था। ठीक है, वर्तमान में इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 25 लाख तक का। ठीक है, जन सूचना पोर्टल कब चालू हुआ, 13 सितंबर 2019 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका पहला चरण कब चालू हुआ, वो हुआ 20 अगस्त 2019 को चालू हुआ। ठीक है, इसमें 115 विभागों की 335 योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है। जन सूचना पोर्टल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी, मतलब योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है, ठीक है, एक है राजस्थान संपर्क पोर्टल। ठीक है, संपर्क पोर्टल, इसमें क्या किया जाता है, हमें किसी भी प्रकार की शिकायत है, मान लो बिजली नहीं आ रही, सड़कों में गड्ढे हैं, या मतलब किसी भी प्रकार की शिकायत है, तो संपर्क पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। जबकि किसी भी सरकार की योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो वो है जन सूचना पोर्टल। नेक्स्ट है कि जन आधार योजना कब चालू हुई, 18 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चालू हुई 1 फरवरी 2019 को। तो इसमें पुरुषों को है ना बेरोजगारी भत्ता कितना मिलता है, 4,000 रुपये प्रतिमाह, जबकि महिला विशेष योग्यजन तथा ट्रांसजेंडर को बेरोजगारी भत्ता मिलता है 4,500 रुपये प्रतिमाह का। नेक्स्ट है कि इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना चालू हुई 20 अगस्त 2020 को चालू हुई। ठीक है, 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जो लेकिन जो
जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसे सरकार कितने 25 रुपये देती है, तो 8 रुपये तो हमसे लेती है, प्लस 17 रुपये अपना अनुदान देकर के उसे 25 रुपये प्रदान करती है। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना का जो मुख्य नारा है वो क्या है, कोई भूखा ना सोए। ठीक है, कोई भूखा ना सोए, और ये कोई भूखा ना सोए एक और योजना से संबंधित है, वो है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण योजना। ठीक है, इससे भी संबंधित है, कोई भूखा ना सोए। नेक्स्ट है, अगली योजना है घर घर औषधि योजना, ये कब चालू हुई, 1 अगस्त 2021 को चालू हुई। ठीक है, घर घर औषधि योजना चालू हुई 1 अगस्त 2021 को। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किए जाते हैं, 8 8 पौधे दिए जाते हैं। ठीक है, 8 पौधे होते हैं, और मतलब क्या होता है, होते तो 4 पौधे हैं। ठीक है, लेकिन हर एक प्रकार के पौधे के दो दो प्लांट दिए जाते हैं। ठीक है, होते 4 पौधे हैं, लेकिन हर एक प्रकार का जो प्लांट है उसके दो दो पौधे दिए जाते हैं। तो 4 पौधे कौन कौन से है, वह है गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा तथा कालमेघ। ठीक है, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा तथा कालमेघ, इन सभी के दो दो पौधे प्रदान किए जाते हैं घर घर औषधि वितरण योजना में। आगे हम देखते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये दोनों कब चालू हुई, 29 नवंबर 2022 को चालू हुई। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इसके तहत क्या है, 1ली से 8वीं तक के बच्चों को प्रतिवर्ष यूनिफॉर्म के 2 सेट प्रदान किए जाते हैं। कितने, 2 सेट प्रदान किए जाते हैं, और उन्हें सिलाई के लिए कितने, 200 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये भी कब चालू हुई, 29 नवंबर 2022 को। इसके अंदर क्या है, 1ली से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, कौन कौन से दिन, बुधवार और शुक्रवार, गुरुवार को नहीं, बुधवार और शुक्रवार को क्या, मिल्क पाउडर प्रदान किया जाता है। ठीक है, 1ली से 5वीं तक के बच्चों को 150 ml और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 250 ml का दूध पिलाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्तमान में है ना किसे उद्योगों का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो वो दिया गया है पर्यटन को, पर्यटन को वर्तमान में किसका दर्जा दिया गया है, उद्योगों का। ठीक है, नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चालू की गई है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ठीक है, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चालू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, वो है निरोगी राजस्थान अभियान। ठीक है, दो चीजें है, एक तो निःशुल्क निरोगी, निःशुल्क निरोगी, ठीक है, और दूसरा है निरोगी राजस्थान। निःशुल्क निरोगी में तो क्या किया जाता था, ओपीडी और आईपीडी मुफ्त किया गया है। ठीक है, और जबकि निरोगी राजस्थान में क्या किया गया है, स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अंत्योदय बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल के लोगों को 1 रुपये किलो की दर से प्रति माह कितने, 5 किलो गेहूं मुफ्त, 1 किलो रुपये की दर से 5 किलो के गेहूं प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 में लागू की गई, इसके अंतर्गत क्या है, सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति को सिलिकोस मतलब उसे है ना प्रमाणीकरण हो गया, मतलब कि उसे ऐसे पता चल गया कि सिलिकोसिस रोग है, तो उस टाइम उसे क्या कितने, 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, और प्रति माह कितने, 1500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति के में तहत प्रमाणीकरण होने पर 3 लाख और प्रति माह कितने, 1500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं निर्यात प्रोत्साहन योजना कब चालू की गई, वह है 2019 में, कब, 12 दिसंबर 2019 को। इसके अंतर्गत किसानों को बिजली, पूंजीगत ब्याज तथा भाड़े पर अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है कि एमएसएमई एक्ट 2019, ठीक है, तो एमएसएमई एक्ट दो बार है, एक तो 2019 में और दूसरा 2022 में। एमएसएमई की फुल फॉर्म हमने देखी थी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएसएमई एक्ट 2019 कब लागू हुआ, 17 जुलाई 2019 को। एमएसएमई एक्ट कब लागू हुआ, 17 जुलाई 2019 को। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, उद्योगों को खोलने पर 5 साल तक उसे किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, और उसे 5 साल तक किसी प्रकार के इंस्पेक्शन में, निरीक्षण में छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये कब चालू हुई, दिसंबर 2019 में चालू हुई। तो नया उद्योग चालू करने पर कम ब्याज पर, ठीक है, वित्तीय लोन उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये क्या है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या है, नया उद्योग चालू करने पर, ठीक है, कम ब्याज पर वित्तीय लोन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में क्या है, नया उद्योग चालू करने पर कम ब्याज पर वित्तीय लोन
लोन उपलब्ध कराया जाता है। आगे देखते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ठीक है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ठीक है, तो वो क्या है, वो रिप्स, ठीक है, रिप्स भी कब है, 2019 में और 2022 में, ठीक है। तो रिप्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजस्थान में निवेश तथा रोजगार को बढ़ावा देना, ठीक है, रिप्स का उद्देश्य है राजस्थान में निवेश को तथा रोजगार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 5 अक्टूबर 2021 को चालू की गई। इसके तहत प्रतिवर्ष 500 बच्चों को विदेश से उच्च अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाती है। कितने, 500 बच्चों को प्रतिवर्ष विदेश से उच्च अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब है, 2021 में चालू की गई। इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर है ना, जो नाई का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं, मोची का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, रिक्शे वाला, इन सभी को क्या है, 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत इन इन सभी को 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है, किसान मित्र ऊर्जा योजना चालू की गई जून 2021 से। इसके तहत प्रति माह 1,000 रुपये और प्रति वर्ष मैक्सिमम 12,000 रुपये का बिजली का बिल माफ किया जाता है किसानों का, ठीक है। अब 2023-24 में ये क्या कर दिया गया है, प्रति माह 2,000 यूनिट का बिजली का बिल माफ किया जाने लगा है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब चालू हुई, 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर, ठीक है, इंदिरा गांधी की जयंती पर, कब इंदिरा गांधी की जयंती आती है, 19 नवंबर 2020, ठीक है, 19 नवंबर को आती है इंदिरा गांधी की जयंती, और 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना चालू की गई, ठीक है। तो इसमें क्या है, दूसरी संतान अगर लड़की होना तो 8,000 रुपये मिलते हैं और लड़का हो तो 6,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो 8,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं, 1,000 प्लस 1,000 प्लस 6,000। अब हम आगे देखते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या हथलेवा योजना कहा जाता है, ठीक है। तो इस योजना के तहत SC ST, ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या हथलेवा योजना, इसके अंतर्गत SC ST तथा अल्पसंख्यक के BPL परिवारों की कन्या का विवाह होता है तो उनको कितने, 31,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, और बाकी अन्य सभी वर्ग है उनके BPL परिवार की कन्या का विवाह होती है तो उन्हें 21,000 रुपये, ठीक है। SC ST और BPL के कन्या का विवाह होने पर 31,000 रुपये, और जबकि अन्य सभी वर्गों की कन्या का विवाह होने पर उन्हें 21,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि की अभी सिफारिश की गई है, वह है प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होगी। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पेंशन योजना में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होगी। तो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पेंशन योजना में कौन कौन सी योजनाएं आती है, पहला है मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना, सीमांत तथा लघु किसान सम्मान पेंशन योजना, ये सभी किसमें आती है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पेंशन योजनाएं। इनमें प्रतिवर्ष कितने की वृद्धि होगी, वो है 15% की वृद्धि होगी प्रतिवर्ष। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ये किसके लिए है, विधवा महिला, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला के लिए है, ठीक है। इसमें 18 से 75 साल की महिला को प्रतिवर्ष कितने, 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, और 75 से अधिक प्रति माह कितने, 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, और 75 से अधिक उम्र वाली महिला को प्रति माह 1,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसमें 55 से अधिक साल वाली जो महिला है उनको कितने, 55 साल से अधिक वाली महिला तथा 58 से अधिक साल वाले उम्र के पुरुष को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना उनको पेंशन कितनी प्रदान की जाएगी, वो प्रति माह 1,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में क्या है, 55 साल से अधिक वाली महिला को और 55 साल से अधिक वाली महिला को और कितने, 58 साल से अधिक वाले पुरुष को इसका लाभ दिया जाता है, और कितनी पेंशन दी जाती है, वो है प्रति माह 1,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।